देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है। यह 28 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। इस बार हर राज्य को दो अलग अलग राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश की जोड़ी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लोग एक दूसरे के राज्य में जाकर वहां की संस्कृति के बारे में सीखेंगे। इससे एकता की भावना बढ़ेगी और अलग अलग राज्यों को अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिलेगा। इसी उद्देश्य के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वार्षिकोत्सव कोलाहल 2020 का शुभारंभ किया गया। 3 दिन तक चलने वाला युवा महोत्सव कोलाहल का शुभारंभ चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना, गणेश पूजा और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। कोलाहल है और ये 3 दिन का प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों को और सभी को हमें ये सीखने को मिला कि किस तरह का नृत्य और किस तरह की ड्रेसेस, किस तरह का खाना पीना हमारे अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मानना है कि सभी अलग अलग स्टेट्स को हम एकजुट बना सकें हर जगह पर, तो वही हमारा मेन कार्य रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसी विचारधारा से प्रेरित होकर जो हमारा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एनुअल फेस्ट 3 दिवसीय जो आज से प्रारंभ हुआ है, 13, 14 और 15 फरवरी को ये चलेगा, उसका आगाज हमारे बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी विचारधारा से प्रेरित होकर, एक भारत श्रेष्ठ भारत से प्रेरित होकर आज का इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया है। और इसमें उन्होंने 10 प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया है। सभी बच्चों को हमारे देश की संस्कृति का परिचय मिलेगा और वो उससे की जानकारी हासिल कर सकेंगे।